नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ दक्षा प्रिया। तो आज चार जगह जहाँ जहाँ नॉमिनेशन होना है, चार सीटों पर, वहाँ वहाँ जन सभा को संबोधित किया जा रहा है एनडीए के घटक दल द्वारा। और ऐसे में साफ तौर से तस्वीरें आपके सामने हैं, ये जमुई की तस्वीरें हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं साफ तौर से कि किस तरीके से तमाम जितने भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के समर्थक हैं वो पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा अगर एनडीए के घटक दलों की बात करें तो बीजेपी के दो डिप्टी सीएम यानी कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा यहां पहुंचे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की बात करें वो यहां पहुंचे हुए हैं और फिलहाल मंच से नजर आ रहे हैं। बता दें अरुण भारती ने अभी थोड़ी ही देर पहले नॉमिनेशन किया है और नॉमिनेशन करने के बाद नामांकन सभा जमुई में आयोजित की गई और इसी नामांकन सभा में शामिल होने के लिए यहाँ पर सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे हैं। और मंच की तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। मंच पर आप देख सकते हैं तमाम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जितने भी कार्यकर्ता हो गए या फिर नेता हो गए वो मौजूद हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और उपेंद्र कुशवाहा यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा अभी नवादा भी उन्हें जाना है और इसी क्रम में किस तरीके से साफ तौर से आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि श्रवण कुमार मौजूद हैं तस्वीरों में। श्रवण कुमार जेडीयू से बिहार सरकार में मंत्री हैं और ऐसे में श्रवण कुमार भी एक मंच पर नजर आ रहे हैं और अरुण भारती जिन्होंने नॉमिनेशन किया है वो नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान बैठे हैं, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, तमाम लोग जो हैं ये मंच पर नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल ये जमुई की तस्वीरें हैं, नामांकन सभा की तस्वीरें हैं जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग तो पहुंचे ही हैं लेकिन ऐसे में साफ तौर से जो एनडीए के घटक दल है उसके नेता भी फिलहाल यहाँ पहुंचे हुए। कैमरा पर्सन नितिन के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज जमुई।